जय हिंद साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित ट्राइबल संग्रहालय यानी आदिवासी जनजातीय संग्रहालय। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश में रहने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं उनके जीवन तथा उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। तो आइए चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चूँकि जनजाति संग्रहालय है तो इसके गेट को देखकर ही हम कुछ जनजाति संस्कृति के चिन्ह हमको यहाँ दिखाई देते हैं। ये स्तंभ यहाँ पेड़ की शक्ल में जिस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, और ये हट है। पार्किंग एरिया जनजाति संग्रहालय फरवरी से अक्टूबर तक दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक खुलता है, और नवंबर से जनवरी तक दोपहर 12 से रात्रि 7 बजे तक। अवकाश प्रत्येक सोमवार और भारत सरकार द्वारा घोषित। इसमें जो प्रवेश शुल्क है भारतीय दर्शकों से 10 वर्ष से अधिक आयु के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति, और विदेशी पर्यटकों से 400 रुपये प्रति व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के दर्शक का प्रवेश निःशुल्क होता है। फोटोग्राफी के लिए कैमरा मोबाइल बिना स्टैंड ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक के 100 रुपये प्रति कैमरा ये शुल्क है। राज्य संग्रहालय भोपाल और ये मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय परियोजना आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की यह पूरी योजना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये खंभे जिनमें बांस की चटाई से इसको कवर किया गया है। और आइए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। प्रवेश द्वार के पास ही टिकट काउंटर है जहां से दर्शकों को टिकट लेना होता है। हमारे साथियों ने टिकट ले लिया है। और ये है अंदर का दृश्य। आप देख रहे हैं यहां रोशनी कम है, किंतु बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ों को यहां पर सुरक्षित रखा गया है। अंदर आपको किसी जनजातीय गांव जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और शहर की चकाचौंध से दूर शांति का अनुभव कराता यह जनजातीय गांव मन को बहुत ही सुकून देता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें बड़ी उम्र के लोगों ने शायद ग्रामीण अंचलों में देखी होगी, किंतु यहाँ देखना एक अलग ही अनुभव देता है। सुंदर और कलात्मक काष्ठ तथा बांस की कृतियाँ बरबस ही 100 साल पहले के भारत की याद दिलाता है। सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में चूंकि बिजली नहीं हुआ करती थी, लालटेन या मिट्टी के तेल की चिमनी का प्रयोग होता था, और वैसी ही रोशनी यहाँ पर अंदर रखी गई है। अंदर इतना अंधेरा, और ये आप देख रहे हैं बालकनी जैसी जगह से बाहर का दृश्य, दिन का समय है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव की अध्यक्षता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और भोपाल के सांसद श्री कैलाश जोशी जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। तो कब हुआ है सर ये? 6 जून 2013 को। साथियों, जनजातीय संग्रहालय के अंदर जनजातीय जीवन से जुड़ी हुई हजारों वस्तुओं को संजोकर रखा गया है, जिनमें से हम कुछ वस्तुओं को आपको दिखा पाए। शेष दृश्य हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।